हैं। सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अपने एक सब्सक्राइबर के सवाल के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, अक्सर हम बात करते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंट सर्विसेज के बारे में कि कैसे मैं आपकी मदद करता हूँ, चाहे वो PLR हो, चाहे वो काउंसलिंग की बात हो, चाहे अपॉइंटमेंट की बात हो, चाहे आपके सवाल आए कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से, व्हाट्सएप पर आप शेयर करते हो, जिस भी तरह से मैं आपका काम आ सकता हूँ, अपने इस शरीर को या अपने मेरे अंदर जो आत्मा बैठी है वो कैसे भी करके आपकी मदद कर सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो इस कड़ी में एक इसी तरह का एक सवाल आया है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये मेरे साथ साथ में बहुत सारे लोगों की दुविधा होगी, बिल्कुल होगी, 100% ये सवाल इतना रोचक है। और क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम भी इस बारे में सोचते होंगे, और अभी भी बहुत सारे लोग इसी एज में या इससे बड़ी एज में भी सोचते ही होंगे, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन इस सवाल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं चलो आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले सवाल बता देता हूँ कि ये सवाल क्या है। आज 13 फरवरी थी जब ये सवाल आया था, लेकिन अभी अभी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से फ्री हुआ हूँ अपने एक सेशन से, तो मुझे लगा कि सोने से पहले क्यों ना एक सवाल जो है उसको ले लेता हूँ, और जिन्होंने भी पूछा है उनकी कम से कम दुविधा खत्म हो जाएगी। और वैसे तो ये सवाल कुछ इस तरह का है कि बहुत सारे लोगों की दुविधा खत्म हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे ऐसा लगा, तो मैं इस पर रात के अभी 2:00 होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है जवाब दिया जाए, तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सवाल पूछने वालों का नाम है साहिल कबड्डी। साहिल कबड्डी इनका रियल नाम है या बस एक नाम है यूट्यूब के लिए पता नहीं, लेकिन जो भी नाम है साहिल, मैं आपको साहिल जी कहकर बुलाऊँगा। तो साहिल जी ने पूछा है कि वो पूछ रहे हैं कि आत्मा के लिए कोई रात और दिन होता है क्या, रात में ही क्यों आती है आत्मा। तो ये सवाल है, आपको भी थोड़ा अच्छा लगा होगा कि और आजकल एक चीज़ मैंने देखा है कि कुछ एक कोड सा चल रहा है, स्क्रिप्ट सी चल रही है कि सारे लोग स्प्रिट के आसपास सारे सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है। पिछली आप मेरी बैक टू बैक 4-5 वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि स्प्रिट के बारे में ही सारे सवाल आ रहे हैं, और सवाल भी रोचक हैं, तो मैं भी बैक टू बैक इन पर समय देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका भी सवाल आ रहा है तो उस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे भी साहिल जी ने पूछा कि चलिए अब हम इस पर डिटेलाइट बात करेंगे। बात में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आज की सुबह की वीडियो में बताया, अभी मैंने यूनिफॉर्म दूसरी पहनी, लेकिन सुबह दूसरा था, सेविंग भी थी, लेकिन अभी मैंने रिमूव कर दी है, तो आपको थोड़ा डिफरेंट लुक लगेगा। वैसे भी मेरे शरीर के साथ मैं ऐसी, आपने नोटिस किया होगा अगर आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो देख रहे हो, कि अक्सर मेरा फेस कट चेंज होता रहता है, तो ये एक पता नहीं क्यों है ऐसा, लेकिन हाँ ऐसा है, तो डोंट बी कन्फ्यूज। अब देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि हम बता रहे थे कि अभी भी मैं फॉर्मल में बैठा हूँ, तो समझ लो रात के 2:00 अभी एक सेशन था, उस सेशन से खत्म होने के पश्चात में मैं आपके साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी सेशन में प्रतिभागी बन सकते हैं। हमारी फीस अभी भी स्टिल वही है, 1 रुपया डोनेशन, और लेकिन जेन्युइन रीजन होगा तो, अदरवाइज 5,000 रुपये जो मैंने वीडियो में शेयर किया था। गुस्से में नहीं, प्यार से बात कर रहा हूँ अभी, तो थोड़ा कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप लोग क्यों नहीं समझते हो, जो नीडी पर्सन है कम से कम उनके हेल्प में आ जाऊँगा। तो आज के जो भी व्यूअर्स थे उनके लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिसने भी आज के दिन में हमारी वीडियो देखी और बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब शुरू करते हैं साहिल जी के सवाल से, जो उन्होंने सवाल पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि आत्मा रात में ही क्यों आती है, क्या आत्मा के लिए दिन या रात होता है। तो सवाल बहुत रोचक है, मुझे भी अच्छा लगा, तो चलिए अब प्रकाश डालते हैं। देखिए, आत्मा के लिए दिन या रात नहीं होता, लेकिन आत्मा भी एक पीसफुल मोमेंट शेयर करना चाहती है, उसमें रहना चाहती है। आपने सुना होगा कि जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत हल्कापन महसूस होता है, तो हमारा जो पूरा वेट है, ये सारी चीज़ें जो कम हो जाती हैं, तो आत्मा बहुत हल्का महसूस करती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि आत्मा भी एक जैसा हम अनुभूति करना चाहते हैं उस हिसाब से करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका कहना कि रात, अब इस नेचर ने कुछ इस तरह से सारी चीज़ें बनाई हैं। अब आत्मा आप किस चीज़ को कह रहे हो, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आत्मा आप एक भूत के रूप में बोल रहे हो, जो भूत योनि में रहते हैं, जो प्रेत रहते हैं उनको बोल रहे हो, या आत्मा उसको बोल रहे हो जो एक अपनी फॉर्म में रहती है, जो इतना सा प्रकाश करता है, जो मेरी वीडियो में अक्सर आप देख सकते हो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको क्लिप को कट कर देता हूँ या वहाँ पर कुछ और दूसरे फोटोज लगा देता हूँ, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि आप सारे लोग कुछ कन्फ्यूजन में आ जाओ, क्योंकि मेरे लिए तो यूज टू वाली बात है, आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए
इसलिए करके मैं ऐसा करता हूँ। बट स्टिल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आत्मा अपने रियल फॉर्म में है तो कभी भी किसी भी समय ट्रेवल करती है, आती जाती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात कर रहे हो भूत प्रेत वाली आत्मा का, जो बॉलीवुड ने हॉलीवुड ने हमारे माइंड में करके रखा है, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, उन लोगों के लिए नेचर ने एक टाइम सेट किया हुआ है, जब हम लोग उनके आसपास रहेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, और डिस्टर्ब होंगे तो क्लेशेस बढ़ेंगे, वो हमें किसी तरह से परेशान करेंगे। स्टिल बहुत सारे लोग उनमें से भी और हम में से भी परेशान करते हैं। बट आपने देखा होगा जो तांत्रिक लोग भी होते हैं या जो इस तरह से कामों में लिप्त रहते हैं, फिर रात में काम करना पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें एक रीज़न ये है कि वो समय आत्माओं के लिए स्पेसिफिक क्या हुआ है। हमारा सोने का सही समय क्या है? अभी तो नो डाउट कि अर्बन एरिया में तो हम रात के 4-4 बजे भी, रात के 2 बजे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और उधर देखो आपको आवाज़ आ रही होगी पटाखे फूटने की, किसी की शादी है बैंड बज रहा है, तो ये आजकल तो नॉर्मल है अर्बन एरिया में। लेकिन स्टिल अगर आप किसी गाँव के साइड में जाओगे, जो रियल बस्ती, मैं उसको रियल बस्ती के नाम से जानता हूँ, कि अगर कोई हैप्पीनेस या हारमोनी जैसी कोई चीज़ है, तो स्टिल अभी भी थोड़ी सी गाँव में बसी हुई है, गाँव में ऐसा मिलता है। तो वहाँ पे जाओगे तो लोग जल्दी सो जाते हैं, और जो एक नेचर का टाइम बनाया हुआ बाउंड है उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए पहले के अगर 10 साल 20 साल पहले के हिसाब से मैं बताऊँगा, तो इस तरह से चीज़ें वर्कआउट करती थी कि रात को हम 12 बजे से पहले 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक सो जाते थे, उसके बाद हम 12 से लेकर 3 बजे तक इनका टाइम चलता है। इन्हें जो करना होता है इनकी योनियों के हिसाब से, जो भी इनको काम दिए जाते हैं इनके दूसरे लोगों के हिसाब से, वो करते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी तो सारी चीज़ें रही नहीं है, अभी सब अपने मन मौजी रात दिन काम करते रहते हैं, डे नाइट से पैसे लगते रहते हैं, तो चीज़ें अभी चेंज हो गई हैं। तो उन्होंने भी अपने आप को चेंज कर दिया, क्योंकि आए दिन सारा पूरा नेचर का जो फोर्स हो तो चेंज हो ही रहा है। आपको पता ही होगा कि ना कोई हारमोनी है, ना ही कोई सत्यता है, सब कुछ झूठ और लालच कपट सब कुछ इसी से हुआ है, कुछ इसी तरह से चल रहा है। तो इसी तरह से नेचर अपने आप को चेंज कर रहा है। तो हर योनिया के प्राणी, आपने देखा होगा कि पहले बंदर, पहले कोई भी पक्षी इतने स्मार्ट नहीं होते थे, लेकिन आज के पक्षी बंदर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हमें ताज्जुब होता है। आपने बहुत सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म रहते हैं छोटी शॉर्ट वीडियो पे, उनमें बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी कि उसमें आपको माथे पे हाथ रखने के लिए वो करता होगा कि अरे ये इतने एडवांस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दे ऑल्सो लर्निंग ना, जैसे जिस हिसाब से फास्ट हम होते जा रहे हैं तो वो भी लर्न कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका बेसिकली सवाल था कि आत्मा रात में ही क्यों आती है, रात में बेसिकली इसलिए आती है, अब नहीं आती, अब तो कभी भी आती है, लेकिन पहले जो एक टाइम बाउंड बनाया हुआ है, क्योंकि उनके लिए वो स्थान अच्छा रहता था, वो डिस्टर्ब नहीं होते थे या हमें डिस्टर्ब नहीं करते थे, क्योंकि दैट टाइम हम सो रहे होते थे और वो अपना काम करते थे। लेकिन अभी ना हमारा टाइम है तो उनका भी टाइम नहीं है, वो भी कभी भी आते हैं, हम भी कभी भी काम करते हैं। तो अभी अभी के सिनेरियो में कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि रात में आएंगे या दिन में आएंगे, कभी भी जब जिसका मन करता सब कुछ करते रहते हैं। अगर हाँ, अगर आप बात करें उस रियल फॉर्म की, यानी कि उस रियल आत्मा की जो ये सिर्फ एक अपनी फॉर्म में रहती है। देखिए, आप लोग क्या बोलते हो कि आत्मा आत्मा भूत योनि में जो आत्मा रहती है वो आत्मा, अरे वो आत्मा नहीं है, वो भी एक योनि है, जिस हिसाब से हम एक इंसान हैं वो एक भूत प्रेत हैं। आत्मा तो मेरे अंदर भी है। किसी ने भी पीछे एक कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से बताया था कि सुभाष जी, आप जो इतना सारा ज्ञान देते हो, अगर जिस दिन आपके सामने आत्मा आ गई तो आपको पता चल जाएगा, सारा ज्ञान भूल जाओगे। तो मुझे हंसी आई थी, अरे भाई साहब, पता नहीं बहन है या भाई है, तो मैं बस भाई साहब कहकर बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, मेरा रात दिन इन्हीं से इन्हीं के बीच में रहना सहना है रहा, तो मुझे पता है कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। सो बट स्टिल थैंक यू वेरी मच आपके कंसर्न करने के लिए। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस फॉर्म की बात कर रहे हो भूत प्रेत की फॉर्म वाली बात, उनके लिए स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, और जो रियल फॉर्म में आत्मा है उसके लिए कोई टाइम नहीं है। उनके लिए वो जब चाहें तब आ सकते हैं, जब चाहें तब जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरिट इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं दूसरी वीडियो में भी आपको बताया था। मेरिट क्यों होती है? क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ता है। आप अगर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जा चुके हो तो आपका काम क्या है पृथ्वी पर आने के लिए, जब तक कि आपको इस बॉडी के लिए आने को ना मिले, यानी कि जन्म की जो यात्रा है वो ना मिले। लेकिन बहुत सारे लोग अपने परिजनों के यहाँ पे विजिट करना आना पसंद करते हैं, तो उस केस में, उस स्पेसिफिक केस में उनको हेल्प करने के लिए एक मेरिट मिलती है, जिससे कि उनको अलाउ होता है, एक परमिट कह लो कि आप हाँ अपने परिजनों के आसपास जा सकते हो। लेकिन उसमें भी क्या रहता है कि आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते, आपके साथ में कोई अग्रेशन वाली चीज़ नहीं कर सकते, कोई तोड़ फोड़ इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, रियल फॉर्म की जो आत्मा रहती है उसके पास में बहुत वाइब्रेशंस रहते हैं, बहुत पावर रहती है, वो चाहे तो आपको फिजिकली भी टच कर सकती है, आपको जैसा चाहे ऐसा अनुभव भी करा सकती है। लेकिन उनको अलाउ नहीं होता, सो वो बेबस होते हैं, वो नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल इफ दे वॉन्ट दे कैन डू,
तो ऐसी चीज़ें हैं। तो आई होप कि साहिल जी आपका भी अभी जो भी क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसी तरह के कोई भी डाउट्स है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप डालते रहिएगा, मैं इसी तरह आप सब लोगों की मदद करने का वादा करता हूँ, करता रहूँगा। और बाकी की अगर कोई भी किसी से कोई शिकायत है, मुझसे है, मेरी टीम से है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर आप लिख कर भेज दीजिए, हम उसको दूर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे आने वाले वीडियो में।